दोस्तों गुड इवनिंग। तो बात करते हैं कि हमने स्टॉक मार्केट का कल क्या बताया था और आने वाले कल क्या हो सकता है। डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य है, जो YouTube के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप लोगों को पता है रोजाना जो देखते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ये आप नंबर मांगते हो 8837879167, ठीक है। ये टेलीग्राम है एस्टो स्टॉक्स अपडेट। अभी आज 5 तारीख थी, तेजी बताइए। कुछ आदमियों को कल XES माइनस में दिख रहा था तो बहुत मैसेज किए, वो तो कम से कम लिखी देना आज YouTube पे कि मैंने उनको क्या बोला था या जिन्होंने मेरे को फोन किया था। मैंने यही बोला, आराम से सो जाओ, तेजी है कल, कोई डरने की बात नहीं है, वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे आज, कोई बात नहीं। हमारे तो 6 तारीख को क्या बता रहे हैं, मतलब दोनों साइड रहेगा मार्केट, मंदी की तरफ भी जाएगा एक बार, ठीक है। तो इसका लेवल है ऊपर की साइड में, वो मैं आपको फ्री वाले चैनल पर डाल देता हूँ, आज भी बताया था, फिर मैंने डाला था कि चेक करो जो लेवल आ गया था हमारा 824-25 आना था, अगर 32 के ऊपर सस्टेन करने से 17,832 तो फिर मार्केट 950 हो जाना था, है ना। तो वो देखेंगे कल क्या होता है उसके हिसाब से। तो कल अप डाउन का मतलब आपको पता है कि तेजी मंदी दोनों है, ठीक है, लेकिन डाउन साइड ज्यादा जा सकती है, ये इतनी सी बात है। फिर आप लोग बोलोगे क्या बोला क्या नहीं, ठीक, ये कहानी खत्म हो गई। एक आपको भी आज कॉल दी थी, 164 पे जाके बंद हुआ है उसको लास्ट में, ठीक। और हमने कल भी कॉल खरीदवाई थी जो लोए लेके गया है, एवरेज करने का सबको पता है, एवरेज किया होगा, दोगुना हो गया। पर आप लोग डर डर के इतना ट्रेड करते हो कि भगवान जाने यार, 10-15 हजार से करो, ज्यादा पैसा लगाओ मत उसमें। भाई जो हम बोल रहे हैं वो कम से कम हमारी डायरेक्शन तो सही होती है ना, हर रोज जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे करेगा मार्केट, वो डायरेक्शन सही है ना, फिर क्या परेशानी है, कुछ नहीं। अब मैंने कल ये भी समझाया था आपको, पुट कॉल वाला वीडियो देख लेना, कि जिसको डर लगता है कॉल में पुट ले जाओ, एक और कॉल ले जाओ, ठीक। अच्छा, अभी आज का, आज मंगलवार था तो आज जिसको लॉस हुआ है नो लिखेगा और प्रॉफिट हुआ है यस लिखेगा। अब उसमें तो कोई बात ही नहीं थी, कॉल जहां खरीदवाई है मार्केट वहां से 5 मिनट पहले कॉल दे दी, ठीक है, अभी ब्रेकआउट लेगा, ठीक है, 5 मिनट पहले कॉल दे दिए, आपको आराम से सोच के खरीद सकते हो कि जैसे ही 90 को क्रॉस करे खरीद लेना, और 90 से 164 करीब करीब 70-75 पॉइंट बढ़ी है कॉल, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज है ना कि तेजी है या क्या होगा मार्केट में, मैं इसको बताया हुआ है ऑलरेडी, जो मेंबर ओनली वीडियो में मैंने संडे को जो चीज बताई है वही आज बता रहा हूं, मैं चेंज नहीं करता हूं कि कल क्या होगा परसों ये होगा, ठीक है। अभी देखो, कल भी बताया था, फ्राइडे को भी बताया मैंने, क्या बताया था, चांदी खरीद लो नीचे आती है इतनी, तो क्रूड ऑयल खरीद लो, इसके बाद सरकारी बैंक खरीद लो, PSU बैंक खरीद लो, आज फिर भी बता रहा हूं तुम्हारे को। इसमें जैसे जो मेरे को अच्छा लग रहा है, कोल इंडिया है, IOC है, NTPC है, सरकारी कंपनी है ये, ठीक है, और इनको रहने दो, ये कहीं 6-7 साल बाद ब्रेकआउट ले रही है कंपनी, ये इसमें डरने वाली बात नहीं, ये 50% तो तुम्हारे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे शेयर। आज भी कई शेयर पर सर्किट लगाया है, वो बेटा ने मेरा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, वो फ्री वाला चैनल, उसका भी ज्वाइन कर लेना, उस पर आप लोग देख लेना कौन से शेयर उसने लिए हुए हैं, उनको खरीद लो, मैं बताया हुआ है। आज भी 3-4 शेयर जो बोल रहा हूँ 2-3 दिन से, उन पर सर्किट लगे हुए हैं। एक पहले 100 रुपये पे दिया था आपको शेयर, जो 3-4 गुना हुआ है, बोरोसिल रिन्यूअल, वो शेयर भी 338 या 340 गया है, 550 जाएगा, खरीद लेना। आप लोग रोज पूछते हो, मैं बता रहा हूँ फ्री में ही आप लोगों को, कोई पैसा नहीं ले रहा, आप खरीद के बैठ जाओ, कोल इंडिया पे बैठ जाओ। देखो एक कोल इंडिया,
उसमें भी मेंबर ओनली वीडियो में डाला था मैंने कि भाई ये शेयर अच्छा लग रहा है, तो ये 6-7 शेयर। इसके बाद बैंक में PSU बैंक में केनरा बैंक सबसे अच्छा लग रहा है, उसके बाद PNB बैंक है। ये कहीं आपको दीपावली तक ही 30-40% का रिटर्न दे देंगे पूरे शेयर, ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी, ये हो गया, यस नो हो गया। थैंक यू, जय हिंद।